तो दोस्तों दीपावली का है त्यौहार और हमने सोचा कि हम करें आपके लिए कुछ खास। तो हमने मंगाए हैं डिवाई से 5 डिब्बे, छोटे बाजार के 5 मीन हलवाई, जिनकी दुकान से हमने आपके लिए डिब्बे मंगाए हैं। ये पहला डिब्बा है फकीर चंद राजेंद्र पाल का, दूसरा है मोहन स्वीट्स का अनूप सर वालों का, तीसरा है गगन स्वीट सेंटर लाला बाबू मीना बाजार वालों का, और ये डिब्बा है, ये दुकान नई खुली है अनिल कन्फेक्शनरी वालों की, ये उनका है, और ये डिब्बा है मुकुटला हलवाई का जिसमें कि खोवे की मिठाइयाँ हैं। तो चलिए करते हैं इनको अनबॉक्स। लिए सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं मुकुटला हलवाई के डिब्बे को, जो कि स्पेशलिस्ट हैं खोवे की मिठाइयाँ बनाने के लिए। अगर आपको खोवे की मिठाइयाँ लेनी हैं तो डिवाई में इससे बेस्ट चॉइस आपके लिए कोई भी नहीं हो सकती है। तो चलिए खोलते हैं इनका डिब्बा और देखते हैं कि डिब्बे के अंदर क्या है। तो ये हम आधी किलो का डिब्बा लेकर आए थे उनसे खरीद कर। तो ये देख सकते हैं इसमें 3 पीस मलाई के लड्डू के हैं, 1 पीस मिली केक का है, 2 पीस मिली केक के हैं, 3 पेड़े हैं, 2 मेवावाटी हैं और 2 बर्फियाँ हैं। खोवे की मिठाई में ये हलवाई नंबर 1 है। अगर आपको कभी खोवे की मिठाई ख़रीदनी हो तो आप इन्हीं के यहाँ से ख़रीदें, सबसे बेस्ट। और इनका इनका जो प्राइस है 1 किलो मिठाई का वो है 260 रुपये किलो। तो ये है मुकुटलाल की मिठाई का डिब्बा, इसमें से करता हूँ मैं टेस्ट। तो करता हूँ इनकी सबसे फेमस मेवावाटी। ये जो मेवावाटी है सबसे बेस्ट इनका आइटम है, और ये जो मिठाई है ये बहुत कम जगह मिलती है ऐसी शेप में बनी हुई, और बहुत टेस्टी होती है। ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर ही गुंजिया है, लड्डू है, मिल्क केक है, पेड़े हैं, और ये है बर्फी। तो थोड़ी सी बर्फी भी टेस्ट कर लेते हैं। बहुत बढ़िया इनका मीठा बना होता है, तारीफ करने की ज़्यादा ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे इलाके में पूरी जगह फेमस है और औसम मीठा इनका होता है। तो आप ट्राई कर सकते हैं 260 रुपये किलो में इनका मीठा। तो चलिए करते हैं अब अगले बॉक्स को अनबॉक्स। डिब्बा जो है अनिल कन्फेक्शनरी का, इन्होंने अभी दुकान नहीं खोली है तो इन्होंने सबको चौंका दिया है। हालांकि इन्होंने कन्फेक्शनरी दुकान में मिठाई लगा दी है, लेकिन मिठाई इतनी मुझे ठीक लग रही थी देखने में, आप देखिए नज़दीक से दिखाओ ज़रा। तो ये है इनकी छेने की मिठाई जिसका रेट है 240 रुपये किलो। देखो मुझे ज़्यादा तो पता नहीं है छेने की मिठाई के बारे में। ये है ब्रेड, ये है परमल, ये है केसरवाटी, और ये है छेने की मिठाई। तो ये आप देख सकते हैं ये है 240 रुपये किलो। ये तो आधी किलो का डिब्बा ही आया 120 रुपये का। तो आप इनके यहाँ से भी ख़रीद सकते हैं, इनकी मिठाई ठीक ठाक है, आप इनकी तरफ भी जा सकते हैं अगर आप छेने की मिठाई खाते हैं। तो मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ इसमें से केसरवाटी। और इन्होंने कहा था मुझसे, इन्होंने इसमें क्रीम नहीं लगाई हुई है, इसमें इन्होंने प्योर खोवा लगाया है घर का बना हुआ। तो आप देख सकते हैं, तो इसको मैं टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको छेने की तरफ जाना है तो आप इनके यहाँ भी जा सकते हैं, मिठाई काफ़ी अच्छी है, मीठा भी काफ़ी ठीक है, ना ज़्यादा तेज़ है ना ज़्यादा कम है। तो यह अनिल कन्फेक्शनरी वालों की दुकान की मिठाई है बजरिया में, आप इनके यहाँ भी जा सकते हैं। तो चलिए करते हैं अपने अगला डिब्बा अनबॉक्स। तो ये हमारा तीसरा डिब्बा जो है गगन स्वीट सेंटर यानी लाला बाबू मिठाई वाले जो कसीर वाले हैं, और इनकी दुकान है मीना बाजार के अंदर। इनकी भी दुकान काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी चलती है, और इनका डिब्बा करते हैं अनबॉक्स। तो आप देख सकते हैं ज़रा नज़दीक से दिखाओ, ये डिब्बा हम खोल लेते हैं। तो इसके अंदर भी ये छेने की मिठाइयाँ हैं सारी, इनका रेट भी 240 रुपये किलो है, और काफ़ी अच्छी मिठाइयाँ आपको देखने में लग रही हैं। ये देखिए आप, ये देख सकते हैं केसर बाटी है, तरबूज है, और ये है बादाम लगा हुआ है इस पर, और काफ़ी अच्छी मिठाइयाँ हैं ये। इनका भी रेट 240 रुपये किलो है। तो आप इनके यहाँ भी जा सकते हैं। मैं थोड़ी सी टेस्ट करके देख लेता हूँ कि मिठाई कैसी है, ज़्यादा नहीं खा पाऊँगा मैं। क्वालिटी इनकी आपकी भी बहुत अच्छी है, तो आप इनकी तरफ भी जा सकते हैं, इनका रेट है 240 रुपये किलो। तो दोस्तों अगर आप देसी घी की मिठाई की तरफ जाना चाहते हैं और आप स्टैंडर्ड मिठाई खाना चाहते हैं तो आप चूज़ कर सकते हैं मोहन स्वीट्स को। ये है अनूप सर वाले, हमारे जी तो भाई की दुकान है। तो इनके यहाँ का जो रेट है वो है 300 रुपये किलो। और आपको मिठाई दिखाता हूँ इनके यहाँ की, ये देखिए आप इनके डिब्बे को हम करते हैं अनबॉक्स। तो इसमें हमने इनसे आधी किलो मिठाई ली थी, उसमें 2 छेना के पीस मिले हैं, 5 छेना के पीस मिले हैं, 1 2 3 4 5, 2 हमें मिली हैं डोंडा बर्फी और 2 मिली हैं खोवे की बर्फी। तो इनका जो रेट है वो है 300 रुपये किलो, और मिठाइयाँ काफ़ी इनके आगे भी ठीक होती हैं। तो ये मैं आपको डोंडा बर्फी टेस्ट करके दिखाता हूँ, ये देखिए आप देख सकते हैं अंदर से डोंडा बर्फी कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ही जूसी, टेस्ट काफ़ी ठीक है, मीठा काफ़ी हल्का है,
और ये कौन सी मिठाई है देख रहा हूँ, नहीं ये खोवे की मिठाई नहीं, ये है नारियल वाली, क्योंकि नारियल वाली है बेहतरीन, बहुत बढ़िया। तो ये छेने के 30 से 5। तो अगर आपको स्टैंडर्ड खाना है तो आप इनकी तरफ भी जा सकते हैं। ये है हमारे मोहन स्वीट्स जीतू भाई की दुकान, 300 रुपये किलो उसका रेट है। अगर आप देसी घी की मिठाई की तरफ जाना चाहते हैं तो दूसरी दुकान आपके लिए ये भी बहुत अच्छी साबित हो सकती है। ये है फकीर चंद राजेंद्र पाल की दुकान और इनकी वैरायटी काफ़ी अच्छी आपको मिल जाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ इनका डिब्बा खोलकर, ये आप देख सकते हैं इतनी सारी मिठाइयाँ शादी किलो के डिब्बे में रखी हुई हैं। इसमें छेना भी है, गुजिया भी है, बटर बिस्कुट भी है, छेना का ब्रेड भी है और ये वाला लड्डू भी है, ये मलाई का लड्डू है, ये बहुत बेहतरीन बहुत टेस्टी लड्डू ये होता है। और इसमें मूंगी दाल का हलवा भी है और ये है बटर बिस्कुट, इसको बटर बिस्कुट बोला जाता है। तो जो इनका भी रेट है वो है 300 रुपये किलो। और इसमें एक मिठाई और आई है नई, ये मिठाई है ब्रेड रोल, ये देख सकते हैं आप। अब तक सारी मिठाइयों में जो सबसे ज़्यादा डिफरेंट मिठाइयाँ हैं वो मुझे इन्हीं की नज़र आई हैं। तो देख सकते हैं इसके अंदर पिस्ता बादाम काजू भरे हुए हैं, इसको बटर ब्रेड ब्रेड बोला जाता है, इसको ब्रेड बोलते हैं, इसको ब्रेड रोल। तो अगर आप देखो देसी घी की स्टैंडर्ड मिठाइयों की तरफ जाना है तो आप इनकी दुकान की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और बेल वाला आइकन भी दबाएं और फेसबुक पर हमें डिजिटल यात्रा के बेस पर फॉलो करें। तो मिलते हैं जल्दी एक नए कंटेंट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।